the incredible moment when that monument to corruption and shame came crashing down has been captured in multiple India Today cameras, giving you the most amazing close-up view of how those 62 stories came crashing down. Let's relive it now. Many fresh reactions coming in from the agencies here. Let's listen into the big statements coming out from the agencies in response to this demolition. Largely जो पूरी exercise है as per plans थी और उसका execution बिल्कुल as per plan हुआ है. बाकी अभी expert teams जो है वो मौके पे हैं, वो assessment कर रहे हैं. हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं. उनका assessment के बाद जो है आपको फिर update देंगे. देखिए blast largely successful है. बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीबीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं. जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है. थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है. बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं. डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था. हमारी सारी मशीनरी, स्मॉक गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं. विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा. तो लार्जली ऑल इज ओके. बाकी जो डिटेल्स हैं दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1 घंटा, 1 घंटे बाद. देखिए हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट किया था टीम स्टैंड बाय करने के लिए, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टीम्स यहाँ लगा रखी हैं. रस जितनी भी डिटेल है वो प्रशासन देख रहा है, उसको तो आपको वहाँ से मिल जाएगी. एनडीआरएफ का जितना काम था वो पूरा है हमारे. अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है.